हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इट्स मी अंकु। तो आज के वीडियो में हम टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो आसानी से अवेलेबल हैं हमारे यहाँ इंडिया में, और अच्छे ब्रांड्स हैं आफ्टर शेव लोशन के, जिनको आप यूज़ कर सकते हो और मज़े कर सकते हैं। हम मैंने छोटे बड़े हर साइज़ के लिए हैं, और मज़े की बात ये है कि इनमें बहुत से तो काफ़ी सस्ते हैं और एक आधा योगा जो कुछ खास महंगा होगा, पर बहुत अच्छी रेंज है और सच में मज़ा आ गया। मैंने अलग अलग आफ्टर शेव लोशंस जब यूज़ किए, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिलेट से। इसमें इनिशियली हमें दो अलग अलग साइज मिल जाते हैं। ये हो गया हमारा 100 ml और ये ऑब्वियसली 50 ml ही है ना, कभी गड़बड़ हो जाए तो। ये है स्ट्रॉन्ग फोर्स। वाओ, बादल गड़गड़ा रहे हैं, मतलब नाम काफ़ी अच्छा है। और ये है हमारा आर्कटिक आइस। जी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, और इन दोनों में ही जब आप इनको अप्लाई करते हो तो मिर्चें लगती हैं, पर फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है पर नाक में घुसने वाली नहीं है। तो मुझे जिलेट बहुत पसंद है, मुझे क्या दुनिया भर में सबको पसंद है, तो ऑब्वियसली टॉप 10 में तो इसका आना ही है। नेक्स्ट अप इज अनदर ब्रांड जो यहाँ पे भी भाई जिलेट को भी एक तरह से टक्कर देता है। ऑब्वियसली आप लोग जान गए हो मैं निविया की बात कर रहा हूँ। निविया में भी हमें बहुत अच्छी रेंज मिल जाती है। निविया में हमें अलग अलग स्किन टाइप के भी मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेंज है। इनफैक्ट निविया में आफ्टर शेव बाम भी आता है, और इसमें मिर्चें तो लगती नहीं है। आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर फ्रेग्रेंस कुछ खास नहीं है इसकी, बट मज़ा आ गया। ऑफ कोर्स इट इज़ निविया। और ये है हमारा डीप इम्पैक्ट, बहुत सही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे लगाने अप्लाई करने के बाद ना स्किन पे ठंडा लगता है, हल्की सी मिर्चें भी लगती हैं, पर ठंडा ज़्यादा लगता है, और एक हल्की सी फ्रेग्रेंस कह लो, बहुत खूबसूरत सी खुशबू आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो मुझे तो सच में बहुत पसंद आया, और ठंडक मिलती है इसको लगाने से, सबसे अच्छी बात यह है। तो आई लव इट, रियली सच में इंजॉय किया मैंने। निविया मुझे सच में बहुत पसंद है। और हाँ, एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, ये टॉप 10 की जो लिस्ट है मैंने कि अपनी पसंद के लिए नहीं बनाई है, अपनी पसंद के हिसाब से नहीं बनाई है, पॉपुलैरिटी के हिसाब से बनाई है। और पॉपुलैरिटी के पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, जो मैंने इधर उधर दुनिया भर के amazon.com और फलाना ढिंका सबके रिव्यूज़ को देख के डिसाइड किया कि हाँ ये इस नंबर पर आना चाहिए। दैट्स इट, ओके। तो और ये जो मेरा एक तरह से रिएक्शन है, ये मेरी अपनी खुद की ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम राइट, वट एवर, आपकी केयर नहीं करते हो, इट्स ओके, आई अप्रिशिएट दैट। तो इसी बात पे हम नंबर 3 पे जाते हैं, दैट इज बुढ़े बाबा। हे भगवान, यस इट इज ओल्ड स्पाइस, जिसको खरीदने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर मैं वाकई चौंक गया जब मैंने देखा इंडिया में तो इसके हजारों में रिव्यूज हैं अमेजोन के, मतलब दिखता है इसलिए ही है भाई, यूएस में भी। तो ये 150 ml का मुझे लेना पड़ा, और भाई साहब इसको जब अप्लाई करते हो ना, आउच, मैं अपनी तरफ नहीं करूँगा, जब इसको अप्लाई करते हो भाई ऐसा लगता है जैसे जले पे नमक छिड़क दिया हो। ये हाल तो तब है कि जब अगर कोई आपका चेहरा कहीं से कोई कटा वटा ना हो, सही सलामत आपने शेव कर लिया हो, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। बचपन से इसका नाम सुनते आ रहे हैं तो थोड़ा सा बोर भी हो गए हैं ओल्ड स्पाइस से, पर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पॉपुलैरिटी की लिस्ट है ये, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, मैं तो यही चाहूँगा कि लिस्ट एक अच्छे से बनाऊँ, ओके।
तो ओल्ड स्पाइस की, अब जैसे मैंने यहाँ स्प्रे किया, काफी अच्छी महक आ रही है, वेरी नाइस। तो ये सच में ही भाई जेंटलमैन की पसंद है, कोई मजाक बात थोड़ी है। एनीवेज तीन तो हो गए हमारे। आओ आओ चलो फिर गिर ना जाए। ये है सिग्नेचर एक्स, सिग्नेचर डेनिम। इसमें वही डेनिम का जो जब लॉन्च हुआ था, सेम टू सेम वही इसकी खुशबू है, मुझे बहुत पसंद है। मिर्चें इसमें भी काफी लगती हैं, पर काफी स्ट्रांग इसकी जो महक है ना, वाह मजा आ जाता है। मैं तो इसे यूज करना बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और छोटा सा है, और ये मैंने कुल 120 रुपये में लिया था। ऑलराइट, और अमेजोन वगैरह पे तो और भी सस्ता मिल जाता है। और मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करूंगा, हमें छोटे ही साइज में लेना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेवल पे करते हो या कुछ है, बोर भी तो हो जाते हैं ना। छोटे में भी 50 ml तो होता है। तो अलग अलग तरह की यूज करो यार, अगर नीविया के आप फैन हो तो नीविया में भी बहुत सारे अलग अलग आते हैं। ऑल राइट, ये मेरी एक पर्सनल आपके लिए सुझाव है, एडवाइस नहीं है, सजेशन है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे यार्डले आफ्टर शेव लोशन। ओके, इसमें भैया अलग अलग मिल जाते हैं हमें फ्रेग्रेंस वाले। ये जब मैंने यूज किया ना भाई, इसका टेलकम पाउडर तो बहुत बढ़िया लगता लगा मुझे, और इनफैक्ट सोप भी आते हैं इनके। एनीवेज आफ्टर शेव की बात करते हैं, इसको लगाने के बाद ऐसा लगा जैसे इतनी ज्यादा स्ट्रांग इसकी खुशबू है कि जैसे आप खुद अगरबत्ती बन गए हो, समथिंग लाइक दैट। दिमाग में चढ़ रही भाई, जबकि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, पर इट इज वॉट इट इज। तो ये भी काफी अच्छा है, 100 ml की है ये, और वेरी वेरी चीप एक्चुअली। इस पे लिखा नहीं है, लिखा है भाई, लिखा है 225 रुपये लिखे हैं, तो 100 ml 225 रुपये में कुल। तो इट्स ओके, आप ट्राई कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना बहुत स्ट्रांग है, आपको डीओ यूज करने की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद, जब तक मुंह नहीं धोओगे आई गेस। तो यार्डले इज ऑल्सो गुड, इसमें अलग अलग फ्रेग्रेंस आती है जैसा मैंने बताया। एंड नेक्स्ट अप इज पार्क एवेन्यू। यस दोस्तों, पार्क एवेन्यू काफी सटल खुशबू है इसकी, हल्की है पर बहुत देर तक आपको लगता रहता है, ऐसा लगता है जैसे आपने कोई अच्छा सा परफ्यूम लगा लिया हो या डीओ वीओ लगा लिया हो। कहने का मतलब है कि आफ्टर शेव तो ये है ही ऑब्वियसली। इसकी खुशबू भी काफी अच्छी खासी है, और स्ट्रांग नहीं है पर टिकने वाली है इसमें भी। तो अब हम बात करेंगे एक और आफ्टर शेव की जो काफी पॉपुलर है, दैट इज वेलोसिटी। यस आई 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 लव इट, अमेजिंग। वाह इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना भाई, मजा आ गया। आफ्टर शेव का तो एक काम करता ही है, पर इसको जब आप अप्लाई करते हो, मिर्ची भी लगेंगी पर इसकी खुशबू इतनी अच्छी है भाई, मुझे तो ऐसा लगा कि लगने दो यार मिर्ची, हु केयर्स, आफ्टर शेव लगाया है तो थोड़ी बहुत मिर्ची भी लगनी चाहिए। आई लव इट वेलोसिटी। इसको लगा के आफ्टर शेव वाली फ्रेग्रेंस, खुशबू नहीं आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई आपने परफ्यूम या डीओ या ऐसा कुछ लगा लिया हो, तो कुछ स्पेशल सा फील होता है, सोफिस्टिकेटेड। यस वेलोसिटी इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट अप इज गोना बी गेस व्हाट, वाइल्ड स्टोन। यस वाइल्ड स्टोन, वाह ये है हमारा वाइल्ड स्टोन। इसमें ये 50 ml वाला मैंने ले लिया है कुल 110 रुपये में। ऑल राइट, वाह इसकी महक जो है ना, ये बहुत देर तक टिकी रहती है, और कूल कूल ठंडा ठंडा ऐसा भी लगता है इसे लगाने के बाद। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है 110 रुपये में, और क्या बच्चे की जान लोगे, और वो भी वाइल्ड स्टोन। वाह मजा आ गया सच्ची में, कमाल है, वेरी गुड, अमेजिंग। ओके तो अब हम बात करेंगे
एक और अमेजिंग फ्रेग्रेंस की, दैट इज बायोटेक वाइल्ड ग्रास, ओके, दैट इज आफ्टर शेव जेल। जैसे नीविया में आफ्टर शेव बाम आता था, ये हो गया जेल। ये भी दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं है, 180 का है ये, और इसको यूज करने पे जैसे कि ये जेल है तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है, लगा मुझे जब मैंने इसको अप्लाई किया। और इसकी जो ये महक है ना, जिन लोगों को प्राकृतिक टाइप की चीज़ें यूज़ करना बहुत पसंद है, जैसे मतलब कुछ नेचुरल वाली बात है इसके, इसकी फ्रेग्रेंस भी ना पेड़ पत्तों की समथिंग लाइक दैट, घास फूस वाली उस तरह की खुशबू है जो बहुत अच्छी लग रही है। तो कुछ काफ़ी यूनिक है, अलग है, मजा आ गया। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, इसको ये कोई मतलब अनअवॉइडेबल नहीं है। हाँ, कभी आप इसको सोच रहे हो कि ऐसी है, ऑलराइट, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा गया। यस, देखो लिखा भी है, आयुर्वेदिक 100% बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स रेसिपी, पी जाओ इसको, ऑलराइट। तो अब हमारा आता है नंबर 10 इज, ओके, दिस इज आल्सो आयुर्वेदिक, ओके, लग्जूरियस आयुर्वेदा आफ्टर शेव अलॉय वीरा एंड फलाना ढिमकाना, ऑल राइट। ये थोड़ा सा वैसे महंगा आता है, अमेजोन पे अवेलेबल भी है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा लगता है जैसे परफ्यूम की बॉटल हो। और इसके और एक चीज़ और बताऊँ, इसको जब अप्लाई करते हो ना आप, तो इसमें भी काफ़ी मिर्चें हैं, पर इसकी जो कहना चाहिए, वाह, फ्रेग्रेंस अमेजिंग, ऐसा लगता है जैसे काफ़ी फ्रूटी है और उसमें नींबू वाली खुशबू बहुत ज़्यादा है। गर्मियों के लिए तो इट इज़ डैम गुड, बहुत सही है। इसका नाम है, एक बार और बोल देता हूँ मैं, फॉरेस्ट एसेंशियल्स लग्जूरियस आयुर्वेदा आफ्टर शेव, मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसकी पैकेजिंग तो ऑब्वियसली है ही अच्छी, ऐसा लग रहा है जैसे परफ्यूम की बॉटल हो, पर इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, पर ये यूज करने में भी काफ़ी अच्छा है और इसकी महक तो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 आफ्टर शेव लोशंस, जिनको छोटे बड़े हैं, 110 रुपये का है, कोई कितने का है, तो आप ट्राई कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपका बड़ा तहे दिल से साहब आभारी हूँ कि आप यहाँ तक मुझे सुन रहे हो। एंड मैं आपको कहता हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा ज़बरदस्त रहिए। लव यू सो मच, पीस आउट।